खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। बम बम भोले। जी हां, पूरा देश आज यही जयकार लगा रहा है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। पूरे देश में महाशिवरात्रि के त्योहार की धूम है। मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। आज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के बाद से ही कतारें लगनी शुरू हो गई। आज महाशिवरात्रि के पावन मौके पर ही प्रयागराज कुंभ में भी अंतिम स्नान है, इसीलिए भी दिन बहुत खास हो जाता है। महाशिवरात्रि और कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। दो तस्वीरें आपके सामने क्योंकि कुंभ का आज आखिरी स्नान है और आज ही महाशिवरात्रि का भी पर्व है। इस लिहाज से रिकॉर्ड संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर आपको हम उज्जैन के महाकाल की दिखा रहे हैं, जहां विशेष श्रृंगार भी आज भोले बाबा का होता है और लंबी लंबी कतारों में दुनिया भर से लोग आते हैं, न सिर्फ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए बल्कि उनका आशीष लेने के लिए। तो आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पावन पर्व। इस बार की महाशिवरात्रि क्यों खास है ये भी जान लीजिए। दरअसल 4 साल बाद ऐसा हुआ है कि सोमवार के दिन महाशिवरात्रि पर्व आ रहा है। अगले 12 साल तक ऐसा विशेष संयोग होने नहीं वाला। इस दिन लोग व्रत रहकर भगवान शिव का पूजन अभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और इसी दिन प्रथम शिवलिंग प्रकट हुए थे। आपको महाशिवरात्रि पर हम द्वादश यानी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएंगे। 4 तस्वीरों में आप उज्जैन के महाकाल, काशी विश्वनाथ, पुणे के भीमा शंकर और देवघर के बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे देखिए महाशिवरात्रि के दिन हमने आपको कराए 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। ये ज्योतिर्लिंग दुनिया भर में मशहूर हैं और खास तौर पर शिवरात्रि के मौके पर तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लोग दूर दूर से आते हैं। आइए सबसे पहले दर्शन कीजिए एमपी के उज्जैन के महाकाल मंदिर के ज्योतिर्लिंग का। यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के बाद से ही महाकालेश्वर की भस्म आरती भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए महाकालेश्वर की भस्म आरती। ये भस्म आरती देखने के लिए सालों से लोग इंतजार करते हैं क्योंकि उज्जैन के महाकाल, जो कि कहा जाता है कि उज्जैन के महाराजा ही महाकाल हैं। ये देखिए उनकी भस्म आरती। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर आपको लिए चलते हैं। मान्यता है कि दर्शन करने से ही यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एमपी की ये तस्वीरें हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में किस तरह से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्यौहार, ये आपको हम दिखा रहे हैं। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ भी दूर दूर से लोग आते हैं दर्शनों के लिए और आज तो महाशिवरात्रि के पर्व में भोले बाबा को खास तौर पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, उनका विशेष अभिषेक किया जाता है पानी से, दूध से, दही से, चीनी से, वो तमाम चीज़ें जो शिव को प्यारी हैं आज भक्त अपने आराध्य को अर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि का जिक्र हो और काशी की बात ना हो ये तो गलत बात हो जाएगी, इसीलिए बनारस के काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए किस तरह की तस्वीर उमड़ी है ये देखिए। भारी भीड़ में भक्त पहुंचे हैं यहाँ, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली। भक्त शिव के जयकारे के साथ ही विशेष पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। बनारस में शाम को भगवान शिव की बारात बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी और शिव की नगरी है बनारस। कहा जाता है कि शिव के त्रिशूल में पूरी बनारस नगरी बसती है और जब
जो नगरी शिव को सबसे ज्यादा प्यारी हो वहाँ के लोग तो शिव के परम भक्त कहलाते हैं और शाम को यहाँ विशेष शिव की बारात निकाली जाती है। आगे पीछे हो जाइए साहब। तो काशी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा तमाम शिव के जितने मंदिर आज काशी में हैं, यही जोश यही उमंग भक्तों का दिखाई दे रहा है क्योंकि आज उनके आराध्य का उनको पूजने का सबसे बड़ा दिन है। अब काशी की बात लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां के औरंगाबाद में ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां भी बेलपत्र के साथ फूल दुग्ध जलाभिषेक करने के लिए भक्त लंबी कतारों में लगे हुए थे। हर किसी की कोशिश होती है कि ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही लाइन में लग जाएं क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है। पूरा दिन आज उपवास शिव के भक्त करते हैं। ये उपवास भी बहुत शांति और सद्भाव से रखा जाता है, इससे मन और आपका चित्त भी शांत है। महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आके भीमाशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ है। देखिए किस तरह की तस्वीरें यहां पर उभरी हैं। एक बार फिर से आपको बताते हैं ये जगह है कहां। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे के भीमाशंकर मंदिर की ये तस्वीरें हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भारी भीड़ यहां भी, और यहां भी भक्त एक उम्मीद एक आस लगाए क्योंकि भोले बाबा के भक्त जानते हैं कि जैसे उनके आराध्य हैं भोले, वैसे ही बड़ा आसान है उन्हें प्रसन्न करने का तरीका। दिल्ली से आए हैं, हमारा मेन रीजन है कि हम यहाँ महाशिवरात्रि पे भंडारा लगाने के लिए आए हुए हैं। कैसा लगा यहाँ पर आके? यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर के, मतलब इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते कि हमें यहाँ आने का मौका मिला महाशिवरात्रि पर। हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ के बहुत अच्छा लगा, उन्हें कल शाम को भी बड़े अच्छे दर्शन किए, आज भी बड़े अच्छे दर्शन हुए हैं और यहाँ के दिल खुश हो गया है। भगवान करे भोलेनाथ हमें बार बार बुलाए, जैसी भोले की इच्छा। कल शाम को भी दर्शन किए, अब भी दर्शन किए, यहाँ का अरेंजमेंट देख के बहुत मन खुश हुआ। भोले बाबा हमें बार बार बुलाए, अपना आशीर्वाद दे, बोलो शिव शंकर भगवान की जय, सबकी मनोकामना पूरी करे। ऐसा 4 साल बाद हुआ है कि महाशिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है और अब ऐसा 12 साल बाद होगा, इसीलिए भक्तों की कामना है कि लंबी लंबी कतारें ही सही लेकिन एक बार अब दुग्धाभिषेक या फिर जलाभिषेक अपने आराध्य को जरूर कर दें। झारखंड के देवघर आपको लिए चलते हैं। बाबा धाम पहुंचकर श्रद्धालु भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक यहाँ कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बाबा धाम में शिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक से भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं, इसीलिए हर कोई अपनी आस्था के तहत जो जिसकी जितनी आस्था उसके हिसाब से वो यहाँ अपने आराध्य को प्रसन्न करने आए हैं, उनका जलाभिषेक करने आए हैं, दुग्धाभिषेक करने आए हैं। और अब लिए चलते हैं आपको गुजरात के सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर में क्या है शिवरात्रि की रौनक ये देखिए। बेहद खूबसूरत बेहद भव्य मंदिर, सदियों से भक्तों के आराध्य का उनकी आस्था का केंद्र रहा है और आज तो महाशिवरात्रि है, इसीलिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर की छटा ही अलग है। बेहद भव्य बेहद खूबसूरत और आध्यात्म से भरा हुआ ज्योतिर्लिंग का ये पावन चेहरा जिसको देखने के लिए दूर दूर से दुनिया भर से लोग गुजरात के सोमनाथ मंदिर आते हैं। खास श्रृंगार आज महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। हालांकि बाबा के भक्त जानते हैं कि अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उन्हें घर में रखे स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग में अगर वो प्रेम और आस्था से बेलपत्र चढ़ा देंगे वही बहुत है।